स्पेशल नहीं है, जैसे कि हम लोग रेगुलर आलू का पराठा बनाते हैं, हमें आटा गूंदना होता है, फिर उसके अंदर फिलिंग भरते हैं, फिर पेड़ा बना के फिर बेलते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आलू आपके बहुत अच्छे पिसे हुए होने चाहिए। आप उबालने और छीलने के बाद उनको कद्दूकश कर लें, ग्राइंडर या ब्लेंडर में ना चलाएँ, हाथ से उसको मैश कर लें, मसल लें या फिर उसको कद्दूकश करें, ये दो बेस्ट ऑप्शन है, वरना एक टूल भी होता है उससे भी कर सकते हैं आप। ये रायता, चटनी और अचार के साथ बहुत मज़े का लगता है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से पकने के बाद कैसा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल रेगुलर पराठे की तरह से है, इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि फिलिंग हुई हुई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब आप आगे रेसिपी की तरफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह तैयार किए। क्विक आलू पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए आलू, आधा किलो के करीब मैंने ये लिए हैं, 500 ग्राम है। इनको मैंने उबाल के छील कर और इनको कद्दूकश कर लिया है, और अगर आप कद्दूकश करना चाहें तो कद्दूकश कर लें, वरना अगर आपके पास टूल है इसको मैश करने वाला उससे आप इसको मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, ये तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब लिया है, ये इसके अंदर जाएगा। आटा ऐड करेंगे हम इसमें, ये तकरीबन मैंने 1/2 कप लिया है, ये होल व्हीट है, चक्की का आटा है। आप चाहें तो मैदा स्किप करके इसको आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़े के नहीं बनेंगे, तो मैं यही मशवरा दूंगी, मेरी यही एडवाइस है कि आप इसमें मैदा और आटा दोनों मिला के ही शामिल करें। आटा और मैदा ऐड करने के बाद इसमें एक और इसका बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेसन आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1/4 कप के करीब है, ये हम इसमें शामिल करेंगे, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, पहला इंग्रेडिएंट मेरा है नमक, ये मैंने 1 चाय की चम्मच नमक लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चाय की चम्मच, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी 1/3 चाय की चम्मच, 1/4 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, हल्दी डालने की यही वजह है, और इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी मैं इसमें, ये हमारे पास खटाई पाउडर है, अमचूर पाउडर भी कहते हैं इसको, ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच है लेवल्ड, ये ज़्यादा या भर के नहीं लेना है आपको, इससे अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो ये टेस्ट इसका ख़राब कर देगा, 1 चाय की चम्मच लेवल जो है वो इनफ है इस डिश के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसके बाद अभी इसमें 3 से 4 के करीब चीज़ें और हैं वो भी इसमें ऐड करनी है, लेकिन अभी हम इसके साथ ही इसको हल्का सा मिक्स करेंगे कि ये इसके क्रम्स बन जाएंगे, देखें इस तरह का हो जाए, इसमें ऐसी गुटलियाँ सी ये लम्ब्स बन जाएँ इसके अंदर। हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन 3 के करीब सब्जियां और जाएंगी। पहली सब्ज़ी जो है वो मेरी हरा धनिया है, ये मैंने तकरीबन 1/2 गड्ढी ली है और उसको बारीक चॉप किया हुआ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम हरी प्याज ऐड करेंगे, इसको सब्ज़ प्याज भी कहते हैं और स्प्रिंग अनियन के नाम से ये मिल जाएगी आपको, ये मैंने तकरीबन 3 स्टेम ली हैं इसकी और उसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बारीक चॉप किए हैं, इसका ग्रीन और वाइट पार्ट दोनों आपको लेना है और इसको कोशिश कीजिए कि बारीक चॉप करना है, अगर ये मोटी रह जाएगी तो पराठे को ये अच्छी शेप आपकी नहीं आएगी और पराठा फटने लगेगा, तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल बारीक चॉप हुई भी हो। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आपकी पसंद नापसंद पर है, मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक छोटी वाली, जिनको ततैया मिर्च कहते हैं, थाई चिली भी कहते हैं, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऐड नहीं करें, क्योंकि इसके बीज तेज़ होते हैं और आप ये फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इनके अलावा मेरे पास ये आप देख रहे होंगे कि घी है इसमें, ये क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं, देसी घी है, ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, आप चाहें तो 1 खाने का चम्मच ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप इसमें घी या बटर यूज़ करें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, रिच होता है और बड़े मज़े का लगता है ये। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, क्योंकि अभी इसमें हमें दूध डालना है, या पानी से गूंद लें आप, मैं प्रेफर करूंगी कि दूध से गूंदें। जब ये हल्का सा मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको गूंदना शुरू करेंगे ताकि हम अपने पराठे बना सकें। आप देख सकते हैं, ये देखें ये कितना अच्छा मिक्स हो गया है, क्रम्स बन गए हैं इसके। इस टाइम पे अब हम लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करेंगे, ये तकरीबन 1/2 कप के करीब दूध है और इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको शामिल करना है इसमें और इसको गूंदना है।
इसमें मैंने तकरीबन आधा कप में से आधे से ज़्यादा दूध शामिल कर लिया है। आप देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी आ गई है। इसमें थोड़ा सा दूध बचा है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर मैं इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी इसमें आपको आलू के टुकड़े नज़र आ रहे होंगे, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको हाथ से इसी मौके पर पीस सकते हैं, ये बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए। ये तैयार हो चुका है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका ऐसी डो हमें चाहिए। इसके बाद हम इसको मैदे या आटे की खुश्की लगा के और इसको गूंदेंगे दोबारा एक दफ़ा, और फिर हम इसके पेड़े बना के और पराठे बनाएंगे। लेकिन ये तैयार हो चुकी है बिल्कुल। आटा गूंदने के बाद मैं इस पर हल्का सा ऊपर घी लगाऊंगी, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपने पराठे तैयार करेंगे। आलू के पराठे के आटे को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है रखे हुए। अब हम जहाँ पे भी आपको पराठे बनाने हैं, बेलना है, वहाँ पर आप थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट कर दें ताकि वो इस पर चिपके ना। ये थोड़ा चिपचिपा होगा तो आपको पेड़े बनाते हुए भी ये ख्याल रखना होगा कि इसको आटे से आप डस्ट कर दें अच्छी तरह। मैंने देखिए अपने हाथ पे थोड़ा सा मैंने आटा लगाया हुआ है। मैं वैसे मैदे से इसको डस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसमें से जितने भी साइज़ का आपको लेना है आप पेड़ा तैयार करें और उसको बेल के रख दी जाए। हाथों को थोड़ा इससे डस्ट करते रहें। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए मैंने थोड़ा सा आटा या मैदा जो जिससे भी आप यूज़ कर रही हैं, मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपने हाथ में डाल दिया है और अब मैं इसका पेड़ा बनाऊँगी। इससे बड़ी आसानी हो जाती है, चिपकेगा नहीं है, थोड़ा चिपचिपा होगा क्योंकि इसमें आलू हमने मैश करके मिलाए हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है आसानी की कि आपको इसमें कम मेहनत है कंपेयर टू जो हम दूसरे रेगुलर पराठे बनाते हैं जिसके अंदर हमें भरना होता है आलू के उसको भरते को, तो इसमें वो मेहनत नहीं है। सब चीज़ें मिक्स करके आपने आटा गूंदा, पेड़े बनाए और बस पराठे बेल लिए, तो ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेट कर देती हूँ एक पेड़े का। इसको इसी तरह बनाना है जैसे हम आम रोटी और पराठा बनाते हैं, इसको हल्का सा प्रेस करना है आपको, और फिर वही तरीका है कि इस तरह से इसको पतला करें। और मैं आपको एक पराठे के लिए दिखा देती हूँ कि हम किस तरह बेलेंगे और फिर उसको तवे के ऊपर पकाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे हमें बेलना है। इसको बिल्कुल रेगुलर रोटी और पराठे की तरह, बस मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग ये देख लें कि ये बिल्कुल रोटी की तरह ही बेला जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं है आम पराठे से। ये पराठा आप ज़रूर ट्राई करें, ये बड़ा मज़े का बनता है और क्विक फिक्स है ये। बेलने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ये फॉर्म आ गई है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आपने देखा होगा मैंने पेड़े बड़े साइज़ के लिए थे। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है वरना ये टूट जाएगा जब आप इसको तवे पे डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ये थिकनेस होनी चाहिए। ये रोटी और पराठे से मोटा ही बेला जाता है और इसको हल्की आंच पे पकाया जाएगा ताकि अच्छी तरह से सिक जाए। मैंने तवा चूल्हे पे रख दिया, मैंने तेज़ आंच पे रखा है इसको फुल आंच पे ताकि ये तेज़ गर्म हो जाए। फिर हम इसमें अपना पराठा डाल के और उसको कुछ सेकंड के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम उसको मीडियम दरमियानी आँच पर पकाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। तवा तेज़ गर्म हो चुका है, अब मैं इस पर पराठा डाल दूँगी। आप इसको हल्का सा यहाँ पे भी फैला सकते हैं लेकिन उससे पहले इसको फैलाने की या पतला करने की कोशिश नहीं कीजिएगा वरना ये टूट जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है अगर आप इसमें खुश्की मैदा आटा लगा के और इसको थिक बेलेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें अब ये इजीली मूवेबल भी है, मैं हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा से कर रही हूँ। आप हाथ से ना करें, आप चाहें तो कोई स्पैचुला चमचा यूज़ कर लें, उससे कर लें। प्लीज़ सेफ्टी मेजर्स को ज़रूर फॉलो करें। इसको तकरीबन 10 से 15 सेकंड हुए हैं तेज़ आंच पे जब मुझे लगा कि ये सेटल हो गया है, अब ये ब्रेक नहीं होगा। तो अब मैं इसकी आंच, ये देखें आप, मैं इसकी आंच कम कर रही हूँ। इसको अब हम मीडियम आंच पे पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। आपको चेक करना है, डिपेंड करता है, मैं तो इंडक्शन स्टोव पे बना रही हूँ, अगर गैस वाला चूल्हा है तो आँच बारीक रखिएगा, वो बहुत जल्दी तेज़ गर्म होता है। इसको तकरीबन 45 सेकेंड हो गए, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। मैं आपको चेक करने का तरीका बता रही हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती ये, लेकिन ये मुझे थोड़ा कच्चा लग रहा है। जब ये हल्का हल्का सिक जाएगा, इसमें सुर्खी आ जाएगी हल्की सी, तब मैं इसको पलटूंगी। लेकिन ये अभी बहुत अच्छी कुकिंग हो रही है इसकी। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आपकी चीज़ें ज़ाया ना हो, क्योंकि ये ट्रिकी पराठा है लेकिन अगर आप लोग इसको सही तरीके से बनाएंगे, पूरी रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। इसको पूरा 1 मिनट 10 सेकेंड हो गए हैं, अब मैं इसको फ़्लिप करूँगी। देखें ये हल्का सुर्ख होने से मेरा मकसद ये था, ये देख सकते हैं आप।
इसको दूसरी तरफ भी ऐसे ही एक मिनट बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाना है। उसके बाद हम इसमें अपना घी या ऑयल जो भी आप चाहते हैं वो ऐड करेंगे। मैं घी यूज़ करूँगी इसमें। इसको तकरीबन एक मिनट हो चुका है दरमियानी आंच पे। अब हम इस पर घी लगाएंगे। ये देखें, ये तकरीबन आधी चाय की चमची है। ये मैं उसमें से भी आधा इसमें ऊपर लगाऊंगी और जब मैं इसको फ़्लिप करूंगी तो फिर मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी इसको। मैंने ऊपर इसमें घी लगा दिया, मैं इसको फ़्लिप कर रही हूँ। अब हम दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। इसका कलर आप देखें, हल्दी से कितना अच्छा कलर आया है इसका। ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका फ्लेवर बिल्कुल पता नहीं चलेगा और बहुत ही अच्छा खुश रंग पराठा तैयार होगा आपका इंशाल्लाह। ऑयल लगाने के बाद मैं आपको एक और टिप देती चलूँ। जब भी आप पराठा बना रहे हैं, आपको सेकना हो तो आप उसको इस तरह से स्पैचुला या आपका चिमटा जो भी चीज़ है उससे हल्का हल्का मूव करेंगे तो ये इक्वली टोस्ट होगा, कोई भी एक जगह नहीं बचेगी और ये अच्छी तरह से पूरी तरह से सिक जाएगा। इसको मैं 10 से 15 सेकंड इस तरह से पकाऊंगी और फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। एक पराठे पे तकरीबन आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2.5 से 3 मिनट लगेंगे। मैंने इसको फ्लिप किया है, आप देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है। ये बिल्कुल तैयार है। जो मैंने आपको टिप दी है कि इसको आप मूव करें, इसी तरह मैं इसको मूव कर रही हूँ और आप देखें इसकी चारों साइड जो है इसकी पूरी गोलाई में ये अच्छी तरह से सिका हुआ है। ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये सिक गया है बिल्कुल, इसको हम डिश आउट करेंगे। आलू के क्विक पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत